मैंने जो बात पढ़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी अहम है, इतनी अहम है, क्या बताऊं कितनी अहम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी से अंदाजा लगाओ, एक रकत नमाज नहीं पढ़ सकते अगर इसे ना हो। इसी से अंदाजा लगाओ कितनी इंपॉर्टेंट है। वो यूपी का मामला है ना, एक रकत घर नहीं रहोगे अगर फातिहा छोड़ोगे। अरे समझा करो, एक रकत घर नहीं रहोगे अगर फातिहा छोड़ोगे। जब जिंदगी में फातिहा इतना जरूरी तो जिंदगी में कितना जरूरी है। इस बात की आजादी है, नमाज की रकतों में आप सूरह फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम से लेकर वरना की सीमिता जो सूरह का हो पूरे कुरान से कहीं से भी तीन आयतें पढ़ लो, यह एक ऐसी लंबी आयत जिसके तीन हिस्से नहवी एतबार से हो सके पढ़ लो तो तंग करो हो, लेकिन फातिहा न पढ़ो मारे जाए। हाँ, हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब। बैठा बैठा सोच रहा था कितनी प्यारी सुंदर है सुंदर इखलास शरीफ, कितनी प्यारी अजमत वाली। अहदियत का जिक्र है, वैदानियत का जिक्र है, तौहीद का जिक्र है, तबदीयत का जिक्र है, रमजलित का जिक्र है, बदमयूलत का जिक्र है, तेरी बेमिसली का जिक्र है, गैर कुफू का जिक्र है, ला शरीक का जिक्र है, इतनी जबरदस्त सुन है, ये क्यों नहीं लाजमी है, ये कंपल गाड़ी क्यों नहीं हर रकत फातिहा क्यों, इखलास क्यों नहीं। शहादा है अल्लाह, वो भी जानता है जो हो रहा है, वो भी जानता है जो हो चुका है, और वो भी जानता है जो होने वाला है। अल्लाह को भूतकाल भी मालूम है, वर्तमान काल भी मालूम है, भविष्य काल भी मालूम है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानता है, उसे मालूम है। मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं पैदा होकर फातिहा तीसरे दिन फातिहा, दसवें में फातिहा, बीसवें में फातिहा, चालीसवें में फातिहा, अस्सी में फातिहा, और अगर कोई मरे नहीं कभी ग्यारहवीं में फातिहा, छठी शरीफ में फातिहा, बारहवीं में। अल्लाह को मालूम है मेरे बंदों में कुछ बंदे फातिहा के ऐसे कायल है, उसकी तरफ इतना मायल है, उसकी बारगाह में सरापा सायल है, कि हिंदुस्तान में रहें जब फातिहा, अरबिस्तान में रहें जब फातिहा, अफगानिस्तान में रहें जब फातिहा, इंग्लिस्तान में रहें जब फातिहा, और हक को ये कि कब्रस्तान में रहें जब फातिहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे अली, हुजूर गाजी मिल्ला,
उसी अल्लाह ताला को ये भी मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा का नाम सुने तो चेहरे का भूगोल बिगड़ जाता है। अच्छा बात है, मध्य प्रदेश तिब्बत का पठार हो रहा है, इतना बिगड़ गया तू फातिहा नहीं करेगा, फातिहा से इनकार करेगा, हराम करेगा, बिदत करेगा, तू है कौन, तेरी हैसियत क्या है? अंग्रेजों की तरसा पर तेरा ईर जीता रहा, पेट्रोल डॉलर पर ईमान बेचने वालों, सऊदियों के चबाए हुए लुकमों को खाने वालों, जिस रसूल का खाते हो उसी नी के गुलामों के घुर्राते हो, क्या खाए केड़े गुलामों के पावर क्या है? तू बातिया नहीं बोल सर, ये हो सकता है कि तू अपने मकान में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है अपने जानू में लुम में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि अपने इज्तिमा में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि तू अपने घर में फातिहा न पढ़े, मगर सुन, जब तू अपने घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा तो मैं तुझे तेरे घर से उठाकर अपने घर में लाऊंगा, मस्जिद में चार फातिहा पढ़वाऊंगा, जोहर में 12, असर में 8, मगरिब में 7, सोने नहीं दूंगा जब तक 17 फातिहा न पढ़ लूं। शक्ति नगर के आसपास बस करके मानसिकता में शक्ति पैदा करने वालों, समझदार हो, फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फजर में वो भी पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, जोहर में वो भी पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, असर में वो भी पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ते वो भी हैं, फातिहा पढ़ते हम भी हैं। अभी जब दोनों पढ़ते हो तो झगड़ते गए, झगड़े की वजह ये है दोनों के पढ़ने में फर्क है, वो भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं, मगर फर्क सर से ऊपर जाने का फर्क, मगर फर्क है, हम फातिहा मशहूर होकर पढ़ते हैं, वो मजबूर होकर पढ़ते हैं। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, और इस सूरह फातिहा से पहले क्या है, बिस्मिल्लाह, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज के बैकग्राउंड को मैं पहले बयान करूं तब गरीबों को गरीब नवाज समझ में आ गया। ये बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम की आदत डाल दी, ये बहुत बड़ी बरकत है, रूहानी बरकत है कितनी वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये लॉजिकल बात तर्क संगत है वो बता रहा। एक बार अगर बगैर भूख लगी हो और बगैर बिस्मिल्लाह के तुम खाना खाओ, चार रोटी खा गए अंदाजा लगा लो बगैर बिस्मिल्लाह के चार रोटी में पेट भरता, वही भूख जब लगे दोबारा और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके खाओ, दो ही रोटी में पेट भर जाए,
ये दो रोटी नहीं का बोले हर आदमी के साथ उसका हमजाद है, एक शैतान मेरे ही नाम का मेरे साथ है, तेरे नाम का तेरे साथ है हमजाद। जब बिस्मिल्लाह नहीं करके खाते हो ना तो हमजाद के पेट में नहीं जाता, अब अगर बिस्मिल्लाह के खा लिया तो वो भी शरीक हो जाता है। तो जब बिस्मिल्लाह रहमानी नहीं तो हो गए हमजाद भूखा रहेगा, पानी पियो बिस्मिल्लाह करके वो हमेशा प्यासा रहेगा, और जिसका शैतान कमजोर होगा वो मुसलमान मजबूत होगा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को सबसे पहले कुरान में लिखा गया ताकि तुम भी बिस्मिल्लाह से शुरू रहो। तो बरकत ये है कि हमजाद जो है वही खाता पीता है जो बगैर बिस्मिल्लाह के हम खाते पीते हैं। अगर हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहना न भूल रहे तो हमारा हमजाद भूखा प्यासा कमजोर, क्योंकि लतीफा इसलिए नाम नहीं दूंगा, शख्सियत अजीम है, बस मिसाल इसलिए दे रहा हूं तारी समझ में आता जाए। हमारी जमात के बुजुर्ग तरीन हस्ती का एक मामूल फरमाते हैं कि मुझे याद है कि 60 बरस मैं बगैर बिस्मिल्लाह के कुछ खाया ही नहीं और बगैर बिस्मिल्लाह के कुछ पिया ही नहीं। अच्छी तरह याद है मेरा हमजाद 60 साल से भूखा प्यासा कुछ मिला ही नहीं, लेकिन जब कभी मैं हुक्का पीता हूं तो बिस्मिल्लाह नहीं कहता ताकि हमजाद के पेट में सिर्फ धुआं आ जाए। इसमें नसीहत यह है तकलीफ पहुंचाने में बिस्मिल्लाह मत करो। सवाब और मोहताज के लिए फायदे फायदे के लिए बिस्मिल्लाह जरूर। एक बात और, आप तो पूरा कुरान पढ़ने की फुर्सत ना हो, इस कुरान को अगर मुख्तसर किया जाए और मुख्तसरुल कुरान बताया जाए तो सूरह फातिहा, इसलिए सूरह फातिहा एक बार पढ़ने का सवाब पूरे कुरान पढ़ने का सवाब। सूरह फातिहा को भी अगर मुख्तसर किया जाए कि तमाम सूरह फातिहा की जो रूहानियत है वो सिमर जाए। उलमा फरमाते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सूफिया कराम फरमाते हैं अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को भी मुख्तसर किया जाए तो बे के नीचे का नुक्ता बिस्मिल्लाह में बा है और बा में जो नुक्ता यानी नुक्ता फैला दिया जाए तो पूरा कुरान और समेत दिया जाए तो एक नुक्ते में। मौला अली फरमाते हैं अलग नुक्ता तो तहतल भाई को समाना बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। नारे तकबीर नारे रिसालत खात है खैबर आलादे अली बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। क्या मतलब नुक्ता समझना है यानी अली को समझना है तो कुरान में देख और कुरान को समझना है तो अली में देख। अरे तकबीर अल्लाह हू अकबर अरे तकबीर अल्लाह हू अकबर अरे तकबीर अल्लाह हू अकबर अरे तकबीर अल्लाह हू अकबर।
इन्होंने इतना लंबा नारा लगाया कि मैंने अपने मजमून को छोटा बना दिया। मगर बात पूरी की पूरी समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा कि अली नुक्ता है, बाय बसमल्ला का नुक्ता है। अब एक स्टूडेंट आ गया, किस क्लास में बेटा? जी मैं 12 में हूं। सब्जेक्ट तुम्हारे क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट हूं। यह अपने मौलवी को नुक्ता बना दिया इतना छोटा? आप के उसने मेरे पेन रखा, नुक्ता बन गया, उंगली रखा। तब मौलवी इतने छोटे हैं कि उंगली रखो दूर हो जाए? लगता कि साइंस का स्टूडेंट है या किसी स्टूडेंट का स्टूडेंट? तेरे को मालूम नुक्ते की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा? साइंस में पढ़ता है और परिभाषा नहीं मालूम? व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ द पॉइंट? तो साइंस में डिफिनीशन ये है कि जिस पॉइंट को काटा ना जा सके, बांटा ना जा सके, वही नुक्ता है। वो जुज जिसके अज्जा हो, ये हमारे मदारिस में पढ़ाया जाता है। मत समझना तालीम वाले ही अकल वाले हैं, हमारे घर से निजामिया में भी पढ़ाया जाता जुमला या तिरजा की वजह से। तो जिस जुज के, जिस अंश के अंश ना बने, जिस जिस के अज्जा ना बने, उसे साइंस की बोली में एटम कहते हैं। नोबडी कैन डिवाइड एटम। परमाणु का विभाजन असंभव। हाँ, उसे पावर में चेंज किया जा सकता है। पावर में चेंज करके तीन किस्म के बनाए जा सकते हैं, बट डिवीजन नहीं हो सकता। परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता। वो जमीन नहीं है कि बंटवारा हो गया, वो परमाणु है जिसका विभाजन असंभव है। नोबडी कैन डिवाइड एटम। जब ये समझ गए, अली क्या क्या इशारा कर रहे हैं? मुझे कम मत समझना, मैं नुक्ता हूं, नुक्ता डिवाइड नहीं होता। जो डिवाइड ना हो वो एटम होता है, और जहां एटम हो वही के सुपर पावर। जहां एटम परमाणु शक्ति संपन्न, परमाणु शक्ति संपन्न देश सुपर पावर। एटम अमेरिका में, अमेरिका सुपर पावर। एटम इंग्लैंड में, इंग्लैंड सुपर पावर। फ्रांस में, फ्रांस सुपर पावर। चाइना में, चाइना सुपर पावर। रशिया में, रशिया सुपर पावर। और ख्वाजा गरीब नवाज के चरणों के प्रताप से अब भारत में भी एटम। गरीब नवाज की गरीब नवाजी का जलवा है कि अब हमारा देश भी सुपर पावर, हमारा राष्ट्र भी सुपर पावर। जहां एटम वो सुपर पावर, एटम अली, जहां अली वो सुपर पावर। अली इमाम हसन में, इमाम हसन सुपर पावर। अली हुसैन में, हुसैन सुपर पावर। अली जैनुल अबदीन में, जैनुल अबदीन सुपर पावर। इमाम बाकर सुपर पावर, जाफर सादिक सुपर पावर। अली गौसे आजम में, गौसे आजम सुपर पावर। अली गरीब नवाज में, गरीब नवाज सुपर पावर। हे हे
विद्यार्थी खड़ा हो गया, बाबा हम विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं, साइंस स्टूडेंट होने का आर्ट साइंस भूगोल इतिहास और उसका पढ़ता हूँ उपहास मेरे घर मैं हाशमी हूँ, चाहे साइंस पढ़ो चाहे आर्ट पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो चाहे लॉ पढ़ो, छोड़ूंगा नहीं। तुमने भारतवर्ष का मानचित्र पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? अगर लिया भारत का मानचित्र लिया टेबल रखा उसने गुजरात से लेके वगैरह आसाम से पूरा तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उन्होंने कहा बता इसमें बम्बई कहाँ है? बोला हजरत ये बम्बई, बम्बई कहाँ है? देखिए नहीं बम्बई कहाँ है? समुद्र के किनारे नुक्ता देखी, इसी पर लिखा है मुंबई, मुंबई है। बोले हाँ पूरी मुंबई इसी नुक्ते में है। सही रास्ता दिखा,
इसी ने तर्जुमा किया, ये अल्लाह ने सीखा है रास्ता दिखा। बाप रे बाप, इतना मोटा मौलवी, अपनी जमात का अमीर, सहारनपुर बेलूर का रहने वाला, तेरा अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा, अभी तक देखा नहीं। जब इतना बड़ा मौलवी सीधा रास्ता देख देख जगह बना गया, तो जमात का क्या हाल होगा? जो जिस हालत में था उसी हालत को बयान किया, वैसी हालत में देश में सीधा रास्ता दिखाई नहीं, दिखा होता तो क्या इनमें घर में नबी की तौहीन करते थे, दिखा होता तो क्या दूसरा नबी मान लेते थे, दिखा होता तो शैतान की मुसते इन्हीं समझ में आ जाती, शैतान की नहाती दिखे नहीं भाई, सी सही को बोला है अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा। वाह, जिनके इमामों को शेखुल हदीसों को रास्ता दिखा नहीं, एक हमारा इमाम आया हजरत अजीम उल बरका इमाम इसको मोहब्बत मुजद्दिद दीनो बिल्ला सुन्नियत की पहचान हक्कानियत की शान गौसे आजम का पैगाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान वो क्या तकदीर है। उन्होंने ये नहीं कहा है अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा, उन्होंने कहा है अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, ये अल्लाह सीधा रास्ता देख चुके हैं, चलना आसान नहीं, इसलिए तू चला। जिसने नबी देख लिया, सिद्दीक देख लिया, अली देख लिया, गौस देख लिया, गरीब नवाज देख लिया, कुतुबुल मकान देख लिया, महबूबे इलाही देख लिया, उसने सीधा रास्ता देख लिया, अब हमें देखने की जरूरत नहीं, चलने की जरूरत। याद दिलाऊं आपको, जब तक अल्लाह चलाता रहा, जब तक अल्लाह चलाता रहा, 6 करोड़ वर्ष चलता रहा, और जैसे अल्लाह ने चलाना बंद कर दिया, आतंक के सामने कर गया, मतलब बंदा चलता नहीं, मौला अपने कर्म से चलाता है। मेरा इमाम वही कह रहा, मौला हमें सीधे रास्ते से चला। अब वो सीधा रास्ता क्या है? वो सनातन नदी ना नाम चाल ही, तो सीधा रास्ता छोटे पैजामे और लंबे कुर्ते से नहीं पहचाने, बड़े भाई का कुर्ता पहन लो, छोटे भाई का पैजामा, सीधा रास्ता की पहचान ना कुर्ता है ना पैजामा है, सीधे रास्ते की पहचान अल्लाह का इनाम है। इनाम किस पर? अल अंता अलैहिम सिरात लदीना, पहले तो कहा सिरात मुस्तकीम, सराते मुस्तकीम की पहचान बताई, आप सराते लदीना नंता लेहिम, विपल्ला का इनाम है वही सराते मुस्तकीम। तो अब क्या देखेंगे सराते मुस्तकीम पर इनाम है कि नहीं? तो जिस पर इनाम हो, चाहे काला हो लंबा हो लूला हो लंगड़ा हो, इनाम है तो सराते मुस्तकीम है। सैयद हो शेख हो मुगल हो बुरहान हो, इनाम है वही सिरात-ए-मुस्तकीम है। अनमता नहीं, जैसे मैं तुम्हें समझाने के लिए बोलूं, हमसे गाजिया ने पूछा साहेब अच्छी सड़क कौन है,
अच्छी सांस। मैं कहा जिसमें जामर हो अब चलाता रहा। मैंने पूछा भाई कैसी चला गया, साहब सड़क अच्छी नहीं है। क्यों ये सड़क डामर नहीं है? आप बोले ना डामर है तो अच्छी है, इसमें डामर नहीं है, इसमें रिजेक्ट कर दिया, ये अच्छी सड़क नहीं है। तो चलते चलते जब आइए क्या आप कैसा, बोले आप अच्छी सड़क है, ऐसे डामर कितनी आसानी से उस ड्राइवर की समझ में आ गया, सड़क ना देखो डामर देखो, जहां डामर है वो अच्छी सड़क है जिस पर डामर हो, नहीं तो नहीं। अल्लाह ताला ने तो यही आसानी से तुम्हें समझा दिया, रोड मत दे रास्ता मत दे, देख इनाम किस पर, तो मेरा इनाम किस पर वही सड़क है मुस्तफी। तब अल्लाह ये भी बता दे इनाम किस पर, अल्लाह का इनाम नबी जीन पर, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शहदा पर, अल्लाह का इनाम सालेहीन पर, और जिस पर इनाम है वही सराते मुस्तकीम है। तो नबी जीन सराते मुस्तकीम, सिद्दीकीन सराते मुस्तकीम, शहदा सराते मुस्तकीम, सालेहीन सराते मुस्तकीम, और नाम ये मैं कहूँ तो रसूल आजम सराते मुस्तकीम, सिद्दीक़े अकबर सराते मुस्तकीम, मौला अली मुर्तज़ा सराते मुस्तकीम, हसन मुस्तफा सराते मुस्तकीम, शहीद करबला सराते मुस्तकीम, गौसे आजम सराते मुस्तकीम, मदार आजम सराते मुस्तकीम, महबूब इलाही सराते मुस्तकीम, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज सराते मुस्तकीम। तो आप अब्दुल कादिर कल तुझसे कोई पूछे कि किस प्रकार जश्न मना रहे थे, तो ये मत समझना ये जश्न गरीब नवाज है, पर ये जश्न सराते मुस्तकीम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, फैजान मखदूम सिबरा। ये भारत बड़ा प्यारा देश है, वो प्यारों को ही प्यारा है, घटिया लोग इसे पसंद नहीं कर सकते। बहुत प्यारा देश है, एक बात बुद्धिजीवियों के लिए कहूंगा, समाज के इंटेलेक्चुअल प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड एंड ट्राई टू कीप माय वर्ड्स इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड, रिसीव माय वर्ड्स इन योर मेमोरी बॉक्स। बाहर से जो किसी के मुसलमान मिक्स मत करना, हर बाहर से आने वाला हमारा नहीं है। दो किस्म के लोग भारत में, बाहर से दो किस्म के मुसलमान बाहर से भारत में आए, जमीन के लिए जब जमीन के लिए आया 11,000 सेना ले गया, जमीन के लिए आया तो हथियार ले गया, तो ले गया राणा सांगा के बुलाने पर, आने वाली गुमत दी बुलाने वालों को भी दी, आया तो सेना ले गया, दिल्ली में लड़ा, खून बहाया, सत्ता ग्रहण किया, जमीन के लिए आया, तलवार ले लिया, जमीन के लिए आया, हथियार ले लिया, जमीन के लिए आया, आदमी फौज ले लिया। एक वो मुसलमान है जो बाहर से जमीन के लिए, एक और है
जो भारत में बाहर से दीन के लिए आया, वाह 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 वाह, जो दीन के लिए आया वो मुसल्ला लेके आया, कटोरा लेके आया, चटाई लेके आया, दो जोड़ा कपड़ा लेके आया, दो चार नाने वालों को लेके आया, किरदार लेके आया, चरित्र लेके आया, आध्यात्मिक शक्ति लेके आया, जो जमीन के लिए आया वो हथियार लेके आया, जो दीन के लिए आया वो किरदार लेके आया, जो जमीन के लिए आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन। आजकल तो ये मकान खरीदा जाता है, खासा तो मकान चाहिए मोहल्ला में, वो मोहल्ले में रोज़ाना अपने लोग का क्या है, मोहल्ला बदलने से अल्लाह थोड़ी बदलता है, अल्लाह तो एक ही है, हर मोहल्ले में ज्ञान बचाएगा तो हर जगह बचे हो, और उठाएगा तो मक्का मदीने में भी उठाएगा, वहां पर कर्मा करने वाले ना कुछ नहीं हो, वहां भी लोग मरते हैं, मौत से डर होगा कि तुम्हें मिटाने नहीं आती, कब्र में आता से मिलाने आती है, जो अपॉर्चुनिटी है ना, कहते हैं आपदा में अवसर बनाओ, अब गरीब नवाज ने नहीं सोचा कि अपना इलाका कहाँ है, उन्होंने ये सोचा सबसे खतरनाक इलाका, और हिर गए सम्राट, खान बहुत बहादुर है, निर्भीक है, किसका बाण अर्जुन बाण जैसा है, कौन आगे पट्टी बांध कर भी निशाने के तीर मार सकता है, खतरनाक से खतरनाक पता लगाया, सबसे बड़ा राजा अजमेर में, कलमा पढ़ने वाले वहां एक ही नहीं है, वही सूटेबल जगह है, एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं है, वही चलो, मैं कलमा सुनने के लिए दौड़ी आया हूँ, तू मुसलमानों में जाऊंगी, मैं तो पढ़ाने आया हूँ, पढ़ने वालों में हम, अजब आ गए और बैठ गए, कुटिया बना के बैठ गए, और उनके मुड़ी पानी मिल गए, राजा के सिपाही, राजा के सिपाही, राजा का आदेश था नहीं था, राजा ने सिपाही बोले तुम कौन लोग हो, ये पानी तुम नहीं छू सकते, राजा के ऊंट पिएंगे, राजा के घोड़े पिएंगे, राजा के सिपाही पिएंगे, तुम कौन हो, वो मुरीद आके बोला ख्वाजा गरीब नवाज से, सरदार प्रतिबंध लग गया, पानी पे पाबंदी लग गई, किसने कहा, सिपाहियों ने कहा, चाय से ज्यादा केतली गर्म है, राजा को पता नहीं, केतली ज्यादा गर्म है, चाय वाला तो ठंडा है, उसकी केतली गर्म है, नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे, हाय 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 हाय, क्योंकि बोलना तो है,
बैठा गया है। किसी हालत में हूँ, किसी प्रदेश में हूँ, किसी गांव में हूँ, किसी घर में हूँ, हम डरते नहीं। अगर तुम हमला करोगे तो जवाब सुनोगे, और जवाब भरपूर मिलेगा। अरे चुप तो तब रहते जब यजीदियों की नस्ल होती, ये हुसैन के गुलामों की दुनिया है। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी-ए मिल्लत। गरीब नवाज मुस्कुराए, हाँ बेटा पानी पे पाबंदी पहली बार नहीं है। मेरे जद्दे करीम इमाम अली मुकाम हुसैन इब्ने अली के करबला में इससे पहले भी पाबंदी। खैर कोई बात नहीं, मेरा प्याला लो जाओ, अल्लाह ताला से कहो हसन संजरी ने बुलाया। ये किसी ने नहीं देखा कि अनाथ सागर का पानी पियाने में कैसे गया, पर ये सबने देखा कि अनाथ सागर सूख गया। कटोरा लेके खेमे में गए, इधर हाल कम। हाँ हाँ काम लग गया, चमत्कार को नमस्कार। ख्वाजा गरीब नवाज के पैरों में गिर गए, माफ किए हमने अपने जैसा समझा था, आप हमारी तरह नहीं, आप महान। अभी एक ही करामत में काफी ने वली को अपनी तरह नहीं समझा, और इतने मुजीजात देखने के बाद भी नबी को अपनी तरह समझा। जमाने का घर मुस्लिम इनसे बेहतर कर गया। एक करामत पर वली की शान सामने आ गई, सैकड़ों मौजूदात और नबी की शान का हमें ना है। समर्पण कर दिया गरीब नवाज ने, माफ कर दिया, क्योंकि इस्लाम क्षमा का धर्म है, दया का धर्म है, हम लोग शांति का धर्म है। गरीब ने कहा कि ले जाती है उंडेल, ये किसी ने नहीं देखा कि प्याले से पानी नाना सागर में कैसे गया, पर ये सबने देखा कि अनाथ सागर दबा भर गया। सुभान अल्लाह, बोलो भाई सुभान अल्लाह। यहाँ तो सिर्फ मन लगा के सुनो, ताकि समझ में आए कि तुम सुन्नी सही नतीजा हो अल्लाह का नाम। वाहवाही की जरूरत नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज पर प्रतिबंध लग गया तो अनाथ सागर से पानी खिंचवा लिया अपने खेमे में, लेकिन इमाम हुसैन पर जब प्रतिबंध लगा तो दरिया तालाब का पानी खिंचवाया नहीं खेमे में। जबकि गरीब नवाज के मालिक के मालिक के मालिक के मालिक के मालिक सिजरे में पूरा पता चल जाएगा कि अपने मालिक के बाद के मालिक इमाम हुसैन।
इबाबे हुसैन मेरे पराद से पानी न खिंचवा में अंदर की बात बता दूं लगेगा मेरा इमाम चाहता ही नहीं था कि पानी मिले वो चाहे और पानी न मिले हमें वो उसका पोता है बिन मांगे एलिया रगड़ दे तो जमजम निकल आए बिन मांगे चाहते नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था अल्लाह क्या चाहता है मैं तुमको नौजवान जन्नत का सरदार बनाऊंगा और चाहता ही हूं कि जब तुम उठो तो भूखे हो प्यासे मेरे सामने आओ अच्छा मेरी ये सिचुएशन अल्लाह को पसंद है तो जितने रास्ते पानी के हैं सब बंद करो जो उसमें आते गए मुश्किल में पानी लेकर आए ना मुश्किल आया ना पानी आया ना अब्बास आए हुकूमत हुसैन की है हुक्म हुसैन का चलेगा एक अच्छी बात कह दूं जिससे अंदर की तैयारी बाहर आ गया कि पानी ना ले पाए पानी ना ले पाए मेरा अगर मुझे प्यासा देखना चाहता है तो प्यासा ही दुनिया से चला जाऊं राजी बरदाए मौला अबे कभी सोचा करबला की याद मनाने वाले हो यजीदियत के मुंह पे तमाचा मारने वाले हो हुसैन शहीद के साथ आवाज बुलंद करने वाले हो कभी सोचा कि अली असगर को हर दम गोद में क्यों लिए रहते थे आगोश में लिए रहते थे एक थक जाता था तो दूसरे की गोद में दे देते थे वो थक जाए तो तीसरे की गोद में दे दिया जाता था और जब सुनाया जाता था तो झूला बनाया गया था एक चादर के चारों कोनों को बांध कर बीच में डाल दिया जाता जमीन पर अली अजहर को क्यों नहीं लेटाया गया इमाम हुसैन जमीन सैयदा जैनब जमीन इमाम ज़ैनुल अब्दीन जमीन उम्मे रबाब जमीन अब्बास जमीन अली अजहर जमीन पे नहीं कभी गोद में कभी कांधे पर कभी झूले पे जमीन पे क्यों नहीं क्योंकि अंदेशा था कि अगर कहीं अली अजहर को हमने जमीन पर लेटा दिया तो इसकी एडियों की वजह से नया पे जमजम ना आए नारे तकबीर पूरा मन हाथ हो गए नारे तकबीर नारे रिसाले अली का लक्ष्य माह का मुजाहिद नारे तकबीर हाय हाय और अगर खेमे में पानी निकल पड़ा तो पीना पड़ेगा और वादा ना पीने का है मुख्तार दो आलम का नवाजा करबला में बजाते खुद मुख्तार नजर आ रहा है पर यह सवाल तो बनता है इमाम हुसैन ने फरात से पानी खिंचवाया नहीं उनके पोते ने भारत की धरती में अजमेर शरीफ में अरासागर का पानी खेमे में खिंचवा दिया अरे का मुकाबला कर रहे इमाम हुसैन का मुकाबला गरीब नवाज थे रोज आजम से इमाम हुसैन का तुम मुकाबला है ही नहीं यार भारत इसलिए कि ड्यूटी अलग अलग है कोई व्यक्ति बनेगा तो पुलिस में उसका चलेगा लेकिन कोई जज बनेगा तो कोर्ट में चलेगा ड्यूटी अलग अलग है जत्ता पब्लिक में क्यों नहीं आते एसटी साहब कोर्ट में क्यों नहीं जाते उन्हें ड्यूटी अलग अलग है
इमाम हुसैन की ड्यूटी अलग थी, गरीब नवाज की ड्यूटी अलग। दो शब्दों में समझाना, ख्वाजा गरीब नवाज भारत की धरती पर इस्लाम फैलाने आए थे, एक बार याद रखना, फैलाने आए थे इस्लाम, फैलाने आए थे। करबला की धरती पर इमाम हुसैन इस्लाम बचाने आए थे, बचाने आए थे। ख्वाजा की ड्यूटी फैलाना, हुसैन की ड्यूटी बचाना। और एक बात और सुन लो, फैलाने के लिए की करामत चाहिए, चमत्कार मिरेकल्स, फैलाने के लिए करामत चाहिए और बचाने के लिए इस्तेकामत चाहिए। हाय हाय हाय, अल इस्तेकामत तौकुल करामत, इस्तेकामत करामत पर भारी है, जैसे मेरा हुसैन गरीब नवाज पे भारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मौला अली। अजीब झाड़ के नीचे गरीब नवाज बैठे थे, पाज में फिर वही सिपाही बगैर अपने राजा से बात किए हुए लिंचिंग करने लगे। गरीब नवाज के मुरीद से कहा, इधर क्या कह रहे हो तुम लोग, तुम्हारे बात की है, इनको पता नहीं भारतवासी हमारे बाप का आदम जनाब कहा है, धरती पे ना उपमहाद्वीप भारत में वो अकेले ही थे, पूरे एरिया की मालिक वही हुई ना, तो पूरे भारत के मालिक आदम अलैहि सलाम, तो हम उनकी औलाद नहीं है, हम किराएदार नहीं है, बाप की किराएदार है। मसले भी हल हो गए थे। फिर गर्व के पीनी बोली, चाय चुप, मैदान में चुप, मकान में चुप, आजान में चुप, शेरों में तो सुनना पड़ेगा क्योंकि अली का घराना जिंदा गर्वत तुम्हारा कुछ बिगाड़ देता है। शराफत से रहो, ईमानदारी से रहो, अपनी जमीन से, अपने मकान से, अपने मुल्क से मोहब्बत, वो सही है, नॉर्मल है, मिडिल लाइफ, बहुत ज्यादा गर्मी भी हो जाती। केतली बोली, उठो उठो, यहाँ राजा के ऊन बढ़ेंगे, राजा के ऊन। गरीब नवाज मुस्कुरा, ठीक है, क्या कर, अब ऊँटी ही बैठे। पर गरीब नवाज लड़ने भिड़ने वाले तो थे नहीं, दीन फैलाने क्या, तुम भी तो दीन फैलाने के लिए पैदा हुए, लड़ने भिड़ने की जरूरत क्या, उन्होंने अपने किरदार से फैलाया, तुम्हें अपने किरदार से फैलाओ, उन्होंने कलमा पढ़वाया, तुम भी पढ़ो। ये पत्थरबाजी नहीं, इससे इस्लाम नहीं फैला, खूनरेजी से इस्लाम नहीं फैला,
नफरत से इस्लाम नहीं पैदा, घृणा की कोई जगह नहीं। नो प्लेस ऑफ हेट इन रिलीजियन। अपने मुरीदों से कहा करो ना, और तो यहां चले गए दूर, हो गई शाम। अब सिपाहियों को ऊंट लेकर के तबेले में जाना था, ऊंटों का जो अस्पताल है, अब उनको उधार है, उनको जीनी ना नकेल टांग दिया तभी नहीं उठा, ना जख्मी हो गई तभी नहीं उठा, डंडे से मारना है उठी नहीं रहा, सारे उड़ बैठे हैं, गंदा डूब गया तभी नहीं उठा, सिपाही पसीना पसीना हो गए तभी नहीं उठा, सिपाहियों की सांस फूल ले रही तभी नहीं उठा। मैंने आलम ख्याल में मुद्दों से पूछा है उनको, तुम बैठे क्यों? कहा राजा के हुक्म से। उठते क्यों नहीं? खाजा के हुक्म से। तो वो इस्लाम जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फैलाया, वो इस्लाम जिसे तुदूल अफ्ताब बख्तियार काकी ने फैलाया, वो इस्लाम जिसे बाबा अलीउद्दीन गंजे शकर ने फैलाया, वो इस्लाम जिसे ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फैलाया, वो इस्लाम जिसे सरा नसी आले हिंद ने फैलाया, वो इस्लाम जिसे ख्वाजा चराग देवी नसीरुद्दीन ने फैलाया, वो इस्लाम जिसे मखदूम सन्नानी ने फैलाया, मखदूम सखी ने फैलाया, कुतुबुल मदार ने फैलाया, जिस इस्लाम को मखदूम बिहार ने फैलाया, वो इस्लाम जिसकी जड़ों में सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त का खून है, वो इस्लाम जिसकी सरसब्ज शादाबी में गौसुल अग़वास अल इंसानुल कामिल अल कुदरुल आला मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की दुआएं हैं, उस इस्लाम को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। तुम अपने को बदलते रहो, संवारते रहो, समरते रहो, दूसरों पर मेहनत करने के बजाय अपने बच्चों पे मेहनत करो, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखो, उन्हें सुन्नियत के सांचे में ढालो, उन्हें औलिया का मिला की मोहब्बत का नशा पिलाओ, उनका दिल गलियों में लगाओ, और अपनी औलाद को बागियों से बचाओ, बदअकीदों से बचाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, ईमान को खतरा है। अब अगर तुमने अपने आप को बहुत गौसो ख्वाजा से वाबिस्ता रखा, गौसे आजम, ख्वाजे आजम, मदारे आजम, महबूबे आजम, तमाम आजम औलियाए कामिलीन से आपके दामन से वाबिस्ता रहे, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। और हिंदुस्तान की मगरूर ताकत कान खोल के सुन ले कि जब तक ख्वाजाए ख्वाजगान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का मुसलमान, हुजूर गाजी मिल्लत, फतह यूरोप एशिया। ये था फैलाना इस्लाम, फैलाया गरीब नवाज में इस्लाम, फैलाया फैलाया।
लेकिन इसी फैले हुए इस्लाम पर अंग्रेजों के जमाने में जब हमले होने लगे, अंग्रेजों के घर खरीद बोली पैगंबर इस्लाम की अजमत पर हमला करने लगे, बड़े घराने का घटिया लगा इमाम बदले हम हैदराबादी से घिर गया दिल्ली की जामे मस्जिद में मुनाजरा करके उसकी धज्जियां लगी और इस्माइल के लिए अपना छोटा सा मुंह लेके मर गया, बचाया कभी मीला दो पाके पे हमला होने लगा तो अल्लामा अब्दुल समी रामपुरी ने मीला दो फातिहा पर मुदल्लल मुकम्मल किताब लिखी लिखी अनुवाद फातिहा जिसने धज्जियां उड़ा दी बाकी फिरकों की, बचाया मौलाना अब्दुल समी रामपुरी ने। जब बेरू इंसान बनता गया तो बचाया खातिमुल अकाबिर सैयदना अली रसूल मारवी ने, उनके बरादर तरीका इमाम अहले सुन्नत अब्दुल कादिर बदायूनी ने। लेकिन जब मार्केट में इर्दुल इमाम तैयुल्ना बराई ने तातिया जैसी सारत अंग्रेज किताबें आई तो बरेली की चटाई पर बैठ कर इनकी छज्जियां लगाने वाले का नाम इमाम अहमद रज़ा है। बतावा हिसाबुल हरमैन हमारे हाथों में देकर हमारे अकीदे को मक्की और मदनी अकीदे का रंग दे दिया। ये बतावा हिसाबुल हरमैन मक्का मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा के अकाबिर उलवा का फतवा है। तो बचाया इमाम अहमद रज़ा ने, और कैसे बचाए? कमरे में बैठ के बचाए। कैसे बचाए? अपने दारुलिक्ता में बैठे। मामूल क्या था? सारा दिन खाना जोहर तैमूला असल मजबूत था। इसी कहीं किताबें तो बहुत मगर फैसले हनीफी के सारे मसाइल का इहाता कर ले। अंग्रेजी में जिसे हनीफी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए उसी को फतावा ही फतावा इर्दिया गया। तो कमरे में बंद लिखी गई किताबें गांव गांव कैसे पहुंचे? तो उधर बरेली के मुजद्दीदे आजम का कलम चल रहा था, इधर गांव गांव मुहद्दिसे आजम का कदम चल रहा था। पैगामे रज़ा को घर घर तक पहुंचाने वाले को अहले की चौथा कहते हैं। कल मुहद्दिसे आजम जब ड्यूटी अंजाम दे गए आज उनके साहबजादे उसी राह पर लगे हुए हैं। तो जब तक कि चौथा का काम रहेगा अहमद रज़ा का नाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मखदूमे सिबला। चाहे मोहम्मदी जागर में हिंद हो, चाहे मेरी मुर्शिद सरकारे कलाम हो,
मेरे दादा की आला बरेलवी हो या चाहे हजरत नूरी मियां हो या ताबे रसूल महिबे रसूल अब्दुल कादिर बरेलवी हो चाहे आला हजरत अजीमुल बरकत हो, इन्होंने बताया बनाया नहीं और ईमानदारी से बोली किया। अब 90 लाख गरीब नवाब ने बनाया, आपने कहला बना जी नहीं, मेरा बचाने का काम था, मैंने बचाया, बनाने का काम गरीब नवाब तो गरीब नवाब से ये बचाने वाले बनाने वाले से बड़े नहीं हो सकते। सुबह का इजाजत मोदी साहब में होते तो सुन्नियत ना होती, आला हजरत ना होते तो सुन्नियत ना होती, अब्दुल कादिर ना होते तो सुन्नियत ना होती, आले रसूल मौला रोबी ना होते तो सुन्नियत ना होती, सब बोलना बंद कर। गरीब नवाज ना होते तो सुन्नियत ना होती। अरे बनाने वाले ने बनाए भी होता तो बचाया क्या होता, तो बनाने वाला रसूल पाक बनाने वाले सहाबा बनाने वाले अहले बैत बचाने वाले रसूल ने बनाया ना होता हुसैन ने क्या बचाया होता, गरीब नवाज ने बनाया ना होता तो अल्लाह अहले जुल्मत ने क्या बचाया होता, कोई झूलू का शिकार मत हो जाना, अंधे पंचे किसी को मत मानना। गरीब नवाज का मुकाम और है, मुजद्दिदे इस्लाम का मुकाम और है, मर्दी से आदम का मुकाम और है, खाजा आदम का मुकाम और ये और काबिल और है। वाह प्रोग्राम आना, अल्हम्दुलिल्लाह।